नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कक्षा 7 है, उसमें अपन ने पार्ट 16 तक के टेस्ट पेपर कर लिए थे। आज दोस्तों 17 से लेकर के 24 जो पार्ट है, उन सब का दोस्तों एक साथ पेपर रहेगा। और ये पेपर दोस्तों वैसे तो कल हो चुका है मैराथन क्लास में आपकी, जो 2 घंटा की 2.5 घंटा के लगभग हुई थी, 400 प्रश्नों वाली उसके अंदर। लेकिन मैं दोस्तों उसी का आधा भाग जो इतिहास वाला है वो वीडियो यहाँ चला रहा हूँ, आप उसको देखना। और दोस्तों कल वाली क्लास में 2 प्रश्न मेरे द्वारा गलत हो गए, उनके मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। वैसे दोस्तों मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया, और कोई भी प्रश्न गलत हो जाता है तो वीडियो के नीचे दोस्तों पिनअप कर दिया जाता है। एक प्रश्न था दोस्तों, RTE राइट टू एजुकेशन 2009 है, वो राजस्थान में कब लागू हुआ? तो वहाँ मैंने दोस्तों 29 मार्च 2011 बता दिया, 29 मार्च 2011 को पारित हुआ था, लागू 1 अप्रैल 2011 को हुआ, ये आप ध्यान में रखना। एक दोस्तों, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? तो 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, ये दोनों बातें आप दोस्तों ध्यान में रखना। उस क्लास में दोस्तों 2 प्रश्न ये गलत हो गए जो कल हुई थी 400 प्रश्नों की, उसके अंदर ये दोनों प्रश्न आप ध्यान में रखोगे। बाकी मैंने दोस्तों टेलीग्राम पर डाल दी और वीडियो के नीचे मैंने पिनअप भी कर दिया। तो चलिए दोस्तों आप ये क्लास है वो पूरी देखिए इतिहास की। और नेक्स्ट दोस्तों अपनी क्लास है वो अगला संडे कब आएगा? शायद 27 को आएगा, 20 के बाद, हाँ 27 को आएगा। 20 को आपकी ये क्लास है 9th क्लास की, वीडियो ऑलरेडी चढ़ा हुआ है। 27 तारीख को दोस्तों RBSE 8th क्लास की जो बुक है, उसकी जो पूरी किताब है, उसका आपका पेपर रहेगा, वो आप पेपर ज़रूर देना 27 तारीख को। इतने दिन में आप 8वीं पढ़ लो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। भोर के चौहानों का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? अब दोस्तों इतिहास के प्रश्न चलेंगे, गजब के प्रश्न है। रणथंभौर के चौहानों का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? हमीर, रतन सिंह, जेतर सिंह या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमीर देव। अगला प्रश्न, हमीर महाकाव्य की रचना किसने की? हमीर महाकाव्य की रचना किसने की? तो नयनचंद्र सूरी, जोधराज, जेतर सिंह या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नयनचंद्र सूरी ने की थी। अगला प्रश्न, हमीर रासो ग्रंथ की रचना किसने की? हमीर रासो ग्रंथ की रचना किसने की? जोधराज, नयनचंद्र सूरी, जयदेव या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधराज। अगला प्रश्न, हमीर देव चौहान गद्दी पर कब बैठा? हमीर देव चौहान गद्दी पर कब बैठा? 1282, 1284, 1283, 1285? तो 1282 में। अगला प्रश्न, हमीर देव चौहान के पिता का नाम क्या था? हमीर देव चौहान के पिता का नाम क्या था? जेतर सिंह, जोधराज, सुमेर सिंह, रतन सिंह? 217 का राइट आंसर हो जाएगा जेतर सिंह। अगला प्रश्न, जलालुद्दीन ने 1291 में किस दुर्ग पर आक्रमण किया? जलालुद्दीन ने 1291 में किस दुर्ग पर आक्रमण किया? जैना दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, आमेर या चित्तौड़? तो 218 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैना दुर्ग पर। अगला प्रश्न, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को जीतने का प्रयास कब किया? जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को जीतने का प्रयास कब किया? 1291, 1292, 1296, 1293? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1292। अगला प्रश्न, चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना? चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना? 1292, 1296, 1298, 1297? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1296। अगला प्रश्न, रणथंभौर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया? यह लूड़ी दोस्तों टाइप हो गया। रणथंभौर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया? नुसरत खां, उलगू खां, मान सिंह या राणा सुल्तान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नुसरत खां। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, रणथंभौर पर अलाउद्दीन का अधिकार कब हो गया? तो देखिए दोस्तों 1301 में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा,
रावल रतन सिंह चित्तौड़ सिंहासन पर कब बैठा? रावल रतन सिंह चित्तौड़ सिंहासन पर कब बैठा? 1303, 1302, 1305 या 1304? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1302 में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? 1206, 1303, 1302, 1305। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1303 में किया था। कब? 1303 में। अगला प्रश्न, चित्तौड़ का पहला जौहर किसके काल में हुआ? चित्तौड़ का पहला जौहर किसके काल में हुआ? रावल रतन सिंह, हमीरदेव चौहान, कानड़देव, राव जेत्र सिंह। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 225 का, रावल रतन सिंह। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? 1299, 1302, 1298, 1301। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1299 में। अगला प्रश्न, कानड़देव जालौर का शासक कब बना? कानड़देव जालौर का शासक कब बना? 1305, 1302, 1303, 1304। तो कानड़देव जालौर का शासक कब बना? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 227 का, 1305 में। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन की सेना ने शिवाना दुर्ग पर आक्रमण कब किया? अलाउद्दीन की सेना ने शिवाना दुर्ग पर आक्रमण कब किया? 1308, 1307, 1305, 1303। 228 का राइट आंसर हो जाएगा, 1308 में। अगला प्रश्न गजब का प्रश्न है, कानड़देव से किसने विश्वासघात करते हुए राज्य पाने के लालच में खिलजी सेना को एक गुप्त दरवाजे से किले में प्रवेश करवा दिया? और इस विश्वासघात का पता जब उसकी पत्नी को चला तो उसकी पत्नी ने उसके तलवार के दो टुकड़े कर दिए, वो कौन था? शम्स खां, दहिया सरदार, राव बिका या कोई नहीं? तो ये था दोस्तों दहिया सरदार। अगला प्रश्न गजब का प्रश्न है दोस्तों, महाराव शेखा का जन्म हुआ? महाराव शेखा का जन्म हुआ? तो महाराव शेखा का जन्म दोस्तों 1433 में हुआ। कब हुआ? 1433 में हुआ। आगे दोस्तों आपके लिए एक बहुत अच्छी कोटेशन आ रही है, अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो सरकार आप खुद बन सकते हैं। बहुत गजब की चीज़ है दोस्तों, अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो सरकार आप खुद बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप सरकारी बने, आप जॉब देने वाले भी बन सकते हैं। इसलिए जीवन में कभी असफलताओं से निराश ना हो, कर्म करते जाओ, आपके कर्म ही आपकी दौलत है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, राव शेखा व चंद्रसेन के मध्य युद्ध कब हुआ? राव शेखा व चंद्रसेन के मध्य युद्ध कब हुआ? 1471, 1453, 1474, 1470। तो 1471 में हुआ। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, राव शेखा के बारे में सत्य कथन है? तो देखिए दोस्तों आप पढ़ लीजिए और फिर मैं उत्तर बताऊंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा द, राव शेखा के निशासक के रूप में धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। राव शेखा के प्रयासों से पठानों ने मांस को खाना मांस न खाने का संकल्प लिया और नारी के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया। महाराणा संघा के शासनकाल की जानकारी मिलती है, महाराणा कुंभा के शासनकाल की जानकारी मिलती है। तो एकलिंग महात्म में कुंभलगढ़ प्रशस्ति रसिक प्रिया सभी से मिलती है दोस्तों, सभी से। अगला प्रश्न, राणा कुंभा गद्दी पर कब बैठा? राणा कुंभा गद्दी पर कब बैठा? 1433, 1435, 1436, 1437। राणा कुंभा गद्दी पर कब बैठा? तो 1433 में। कब? 1433। अगला प्रश्न, राणा कुंभा व महमूद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? राणा कुंभा व महमूद खिलजी के बीच सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437, 1434, 1435, 1438। तो सारंगपुर का युद्ध हुआ था दोस्तों 1437 में। कब? 1437 में। ठीक है दोस्तों, इसमें नागौर का शासक शम्स खां था
और गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन था। इन दोनों की सेनाओं ने मिलकर के दोस्तों कुंभा के साथ लड़ाई लड़ी थी, यानी सारंगपुर का युद्ध लड़ा था और इन दोनों को ही कुंभा ने हरा दिया था। 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ। अगला प्रश्न, राणा कुंभा के साथ नागौर के किस शासक की सेना ने युद्ध किया? तो शमस खां, कुतुबुद्दीन, सूबेदार रावलमल। तो शमस खां हो जाएगा दोस्तों, ये कुतुबुद्दीन तो गुजरात का शासक था, ये भी इन दोनों ने मिलकर किया था, लेकिन यह नागौर पर्टिकुलर नाम दे दिया तो शमस खां। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, भारतीय कला को स्वर्णिम काल किस शासक का काल कहलाता है? भारतीय कला का स्वर्णिम काल किस शासक का काल कहलाता है? हमीर, राव शेखा, राव कुंभा, राणा चूड़ा। तो 237 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंभा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, राणा कुंभा ने मेवाड़ में कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? राणा कुंभा ने मेवाड़ में कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? 32, 33, 34 या 35? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, तो एक कोटिस ने दोस्तों, गलतियां जीवन का हिस्सा है, अगर गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? तो दोस्तों गलती करने से ना डरें, आप गलती करोगे तभी सीखोगे। मैं दोस्तों आपको पढ़ाता हूँ, विद्वान तो नहीं हूँ लेकिन आपके साथ दोस्तों सीखता जरूर हूँ। कोई गलती हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने की कोशिश करता हूँ। हर पर्सन जरूरी नहीं, हर इंसान को हर चीज़ आए, मुझे भी सारे प्रश्न थोड़ी आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर रहा, महाराणा कुंभा का स्वर्गवास कब हुआ? महाराणा कुंभा का स्वर्गवास कब हुआ? 1468, 1475, 1469। तो देखिए महाराणा कुंभा है, इनका स्वर्गवास कब हुआ? तो देखिए दोस्तों 1468 में। ये अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, खोकर शब्द से क्या आशय है? खोकर शब्द से क्या आशय है? सीधा उत्तर बोलूंगा दोस्तों, तो वर्तमान पाकिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र की एक जाति, ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, अजेय ध्रुव के नाम से किस ध्रुव को जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, मैं डायरेक्ट उत्तर बोलूंगा, बोला नहीं जा रहा है। अजेय ध्रुव के नाम से किस ध्रुव को जाना जाता है? तो कुंभलगढ़ को। कौन से को? कुंभलगढ़। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, चीन के बाद विश्व की सबसे लंबी दीवार मानी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, मैं सीधा उत्तर बताऊंगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कुंभलगढ़ के चारों ओर जो दीवार है दोस्तों, 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, दो वो क्या बोलते हैं, रथ साइड में चल सकते हैं दोस्तों, इतना उसका मतलब चौड़ी है वो। अगला प्रश्न, बुर्जियों द्वारा किस दुर्ग को सुरक्षित किया गया? बुर्जियों द्वारा किस दुर्ग को सुरक्षित किया गया? गजब का प्रश्न है दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग को, ए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध दोस्तों 1527 में हुआ। कब हुआ? 1527। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? ऑप्शन आपके सामने, मैं डायरेक्ट उत्तर बताऊंगा। तो खानवा का युद्ध दोस्तों हुआ था राणा सांगा व बाबर के बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, ए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, हुमायूं को पराजित किसने किया? हुमायूं को पराजित किसने किया? तो शेरशाह सूरी ने किया था हुमायूं को पराजित। अगला प्रश्न, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो देखिए दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ। कब हुआ? 1556। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो देखिए दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ? हेमू और अकबर के बीच हुआ। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, हेमचंद्र दिल्ली की गद्दी पर किस नाम से बैठा? हेमचंद्र दिल्ली की गद्दी पर किस नाम से बैठा? चंद्रसेन, विग्रहराज, विक्रमादित्य,
राजा कल्याणमल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विग्रहराज। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, हेमचंद्र दिल्ली की गद्दी पर किस नाम से बैठा। तो डायरेक्ट उत्तर बताता हूं दोस्तों, विक्रमादित्य के नाम से बैठा। किस नाम से, विक्रमादित्य। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा 251, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540, 10 मई 1540, 9 मई 1542, 9 मई 1543। तो देखिए दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म है ये 9 मई 1540 को हुआ, 9 मई 1540। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, महाराणा प्रताप का जन्म हिंदी माह में किस तिथि को हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म हिंदी माह की किस तिथि को हुआ। तो महाराणा प्रताप है दोस्तों, महाराणा प्रताप है, इन्होंने, इनका जन्म हुआ तब जीएसटी नहीं दी। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ तो दोस्तों जीएसटी नहीं दिया। क्या नहीं दिया, जीएसटी। तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इनका जन्म हुआ, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, जीएसटी नहीं दिया। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, महाराणा प्रताप का गोगुंदा में राज्यारोहण कब हुआ। महाराणा प्रताप का गोगुंदा में राज्यारोहण कब हुआ। तो देखिए दोस्तों, 28 फरवरी को हुआ था, 14 तारीख को वैलेंटाइन डे होता है ना, 14 फरवरी। तो ये 14 दुआ 28 फरवरी, और 14 दुआ दोस्तों 14 दुआ 28 होते हैं, 28 होते हैं दोस्तों, 28 फरवरी 14 को दोस्तों वैलेंटाइन डे होता है, 14 और 1 15 होता है दोस्तों, 14 + 1 क्या होता है, 15 होता है, ठीक है। 15 चौका कितना होता है दोस्तों, 15 चौका 60 होता है, 15 चौका 60, 12 72 होता है, ठीक है। तो 1572, 28 फरवरी 1572। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, महाराणा प्रताप का कितने वर्ष की आयु में राज्यारोहण हुआ। गजब का प्रश्न है दोस्तों, महाराणा प्रताप का राज्यारोहण कितने वर्ष की आयु में हुआ। तो 32 वर्ष की आयु में हुआ दोस्तों, 32 वर्ष की आयु में हुआ। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल थे। तो दोस्तों जमा भट्टो, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, जमा भट्टो, जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, गजब का प्रश्न है दोस्तों, हल्दीघाटी के युद्ध में हरावल दस्ते में निम्न में से कौन कौन व्यक्ति थे। बहुत गजब का प्रश्न है, हल्दीघाटी के युद्ध में हरावल दस्ते में कौन कौन व्यक्ति थे बताइए, हकीम खां सूरी, किशनदास, झालाबिद्दा, मान सिंह, भीम सिंह डोडिया, रामदास, मेड़तिया, झालामान। तो ये सभी थे दोस्तों, सभी थे। अगला प्रश्न, हरावल दस्ते में चुड़ावतों के साथ अग्रिम पंक्ति में कौन सैनिक था। हरावल दस्ते में चुड़ावतों के साथ अग्रिम पंक्ति में कौन सैनिक था, झालाबिद्दा, झालामान, हकीम खां सूरी, किशनदास। तो 257 का क्या हो जाएगा, हकीम खां सूरी। अगला प्रश्न, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का उत्तरदायित्व किसने संभाला। ये गजब का प्रश्न है दोस्तों, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का उत्तरदायित्व किसने संभाला। 258 का राइट आंसर हो जाएगा झाला मान। अगला प्रश्न, मान सिंह के हाथी का नाम क्या था। रामप्रसाद, हवाई, मर्दाना, चेतक। मान सिंह के हाथी का नाम दोस्तों क्या था, अच्छा प्रश्न है, आप बताइए। तो मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना था, क्या था, मर्दाना। मान सिंह मर्द था दोस्तों, मान सिंह मर्द था, मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना था, क्या था, मर्दाना था। प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था दोस्तों, प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। अकबर ने इसका नाम पीर प्रसाद रख दिया था, अकबर ने पीर प्रसाद रख दिया था। अगला है, अकबर के हाथी का नाम क्या था, अकबर के हाथी का नाम क्या था। तो अकबर के हाथी का नाम दोस्तों हवाई था, क्या था, हवाई। अगला प्रश्न, किसके नेतृत्व में प्रताप के सैनिकों ने गोगुंदा की नाकेबंदी की। किसके नेतृत्व में प्रताप के सैनिकों ने गोगुंदा की नाकेबंदी की। तो दोस्तों पुंजा के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद प्रताप ने मान सिंह के साथ किस मुगल दरबार में उपस्थिति पर सॉरी ये दोस्तों प्रश्न इस तरह से है, थोड़ा सा समझना, इस प्रश्न को टाइप में मिस्टेक है,
अकबर आएगा यहाँ, अकबर। पढ़ो दोस्तों इस प्रश्न को। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद अकबर ने मान सिंह के साथ साथ किसके मुगल दरबार में उपस्थिति पर रोक लगा दी। यानी हल्दीघाटी के युद्ध के बाद दोस्तों मान सिंह के दरबार में आने पर रोक लगा दी अकबर ने। इसके साथ साथ दूसरा व्यक्ति कौन था जिसकी मुगल दरबार में आने पर रोक लगा दी, तो वो था आसफ खां। आसफ खां। अगला प्रश्न, अकबर ने शाहबाज खां को प्रताप के विरुद्ध कितनी बार भेजा। अकबर ने शाहबाज खां को अकबर ने शाहबाज खां को प्रताप के विरुद्ध कितनी बार भेजा। तीन बार भेजा दोस्तों, तीन बार। कितनी बार? तीन बार। अगला प्रश्न, प्रताप ने आक्रामक नीति का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया। प्रताप ने आक्रामक नीति का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया, तो हल्दीघाटी, हल्दीघाटी, हल्दीघाटी। अगला प्रश्न, दिवेर का युद्ध कब हुआ। दिवेर का युद्ध कब हुआ, तो बताइए दोस्तों दिवेर का युद्ध है ये कब हुआ, 1582 में। अगला प्रश्न, प्रताप ने अपनी नई राजधानी किसे बनाया। तो प्रताप ने अपनी नई राजधानी दोस्तों चावंड को बनाया। अगला प्रश्न, प्रताप की मृत्यु कब हुई। प्रताप की मृत्यु कब हुई, तो 15 जनवरी 1597 को हुई। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई। प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई, प्रताप की मृत्यु दोस्तों चावंड में हुई। अगला प्रश्न, प्रताप की समाधि कहाँ बनाई गई है। प्रताप की समाधि कहाँ बनाई गई है बताइए, चावंड में, बांडोली में, गोगुंदा में, कटारगढ़ में। प्रताप की समाधि दोस्तों बांडोली में बनाई गई है। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप ने वृक्ष आयुर्वेद ग्रंथ की रचना किस नाम से कराई, तो विश्ववल्लभ। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप ने किस चित्रशैली को जन्म दिया। महाराणा प्रताप ने किस चित्रशैली को जन्म दिया, तो चावंड को। अगला प्रश्न, कौन से शासक शाहजहां ने उच्च मनसब राव की पदवी व नागौर का परगना दिया। यानी कौन से शासक को शाहजहां ने उच्च मनसब राव की पदवी और नागौर का परगना दिया, तो अमर सिंह को। किसको? अमर सिंह। अगला प्रश्न, कौन सा राजपूत शासक अपने पिता के समय मुगलों की सेवा में आया और मुगलों ने धोखे से उसकी हत्या कर दी। अमर सिंह राठौड़। अगला प्रश्न, दुर्गादास का जन्म कब हुआ, तो 13 अगस्त 1638। अगला प्रश्न, दुर्गादास का जन्म कहाँ हुआ, तो बताइए दोस्तों दुर्गादास का जन्म कहाँ हुआ, तो मारवाड़ के सालवा में, सालवा गांव। राव दुर्गादास के पिता आसकरण किसके मंत्री थे। उत्तर बोलूंगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा जसवंत सिंह। अगला प्रश्न, किस शासक की के प्रयास से मारवाड़ व मेवाड़ के बीच राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ, तो दुर्गादास। अगला प्रश्न, वीर दुर्गादास किस शासक को औरंगजेब से बचाकर मारवाड़ लाया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजीत सिंह। अगला प्रश्न, अमर सिंह राठौड़ का जन्म कब हुआ। अमर सिंह राठौड़ का जन्म कब हुआ, तो 12 दिसंबर 1613। अगला प्रश्न, गज सिंह की उपपत्नी का क्या नाम था जिसके षड्यंत्र के कारण अमर सिंह को राजगद्दी ने देकर कनिष्ठ पुत्र जसवंत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया दिया गया, तो अनारा बेगम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनारा बेगम। अगला प्रश्न, महाराजा जसवंत सिंह की जमरूद में मृत्यु कब हुई। महाराजा जसवंत सिंह की जमरूद में मृत्यु कब हुई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 नवंबर 1678। 28 नवंबर 1678। अगला प्रश्न, किस शासक ने औरंगजेब की विध्वंस नीति का विरोध करते हुए द्वारिकाधीश और श्रीनाथ जी की प्रतिमा को मेवाड़ में स्थापित किया।
इस वीडियो पर दोस्तों आपको कम से कम 50,000 व्यू दिलवाने हैं मुझे, कम से कम 50,000, इतनी मेहनत है दोस्तों ये। और 50,000 व्यू आएंगे ना तब जाकर मेरे 200-300 रुपए बनेंगे। तो देखिए, किस शासक ने औरंगजेब की विध्वंस नीति का विरोध करते हुए द्वारिकाधीश और श्रीनाथ जी की प्रतिमा को मेवाड़ में स्थापित किया? तो 282 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज सिंह। क्या? राज सिंह। अगला प्रश्न, जब दुर्गादास ने अजीत सिंह को सिरोही भेजा तो सिरोही के किस महाराव की देखरेख में कालिंद्री गांव के ब्राह्मण जयदेव की पत्नी ने उन्हें पाला? अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये, तो 283 का हो जाएगा वेरी साल। अगला प्रश्न, महाराजा सूरजमल की मृत्यु कब हुई? महाराजा सूरजमल की मृत्यु कब हुई? तो सीधा उत्तर बोल रहा हूं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा सूरजमल की मृत्यु 25 दिसंबर 1763 को हुई। अगला प्रश्न, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों 15 जनवरी 1761 को हुआ। अगला प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के मध्य लड़ी गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। मराठा था सदाशिव भाऊ। अगला प्रश्न, मध्य काल चित्र शैली के प्रधान केंद्र कितने रहे? गजब का प्रश्न है दोस्तों ये, आने लायक प्रश्न है ये। तो बताइए, मध्य काल चित्र शैली के प्रधान केंद्र कितने रहे? दो रहे दोस्तों, एक तो पश्चिमी भारत, एक उत्तर पूर्वी भारत। पश्चिमी भारत है उसमें दोस्तों गुजरात और राजस्थान, और जो दोस्तों पूर्वी भारत है उसमें बंगाल और बिहार, और इन दोनों के विषय थे दोस्तों जैन और बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, राजपूताना राज्य में पल्लवित चित्रशैली को क्या नाम दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी चित्रशैली। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया? औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया? 1679, 1670, 1671, 1607। तो औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया? 1669। अगला प्रश्न, दुर्गादास के जीवन के अंतिम वर्षों में कहाँ रहे? दुर्गादास जीवन के अंतिम वर्षों में कहाँ रहे? तो उज्जैन, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, उज्जैन में किस नदी के किनारे दुर्गादास की छतरी बनी हुई है? उज्जैन में किस नदी के किनारे दुर्गादास की छतरी बनी हुई है? तो शिप्रा नदी, शिप्रा नदी, शिप्रा नदी। अगला प्रश्न, वीर दुर्गादास की छतरी किस रंग के पत्थरों से बनी है? बहुत गजब का प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 7 में दे रखा है। हम छोड़कर जाते हैं प्रश्न, वहीं से आते हैं। तो पीले, लाल, संगमरमर, काले, लाल रंग की बनी हुई है। अगला प्रश्न, मेवाड़ के किस महाराणा व दुर्गादास के संयुक्त प्रयास से उत्तर भारत में औरंगजेब की दमनकारी और कूटनीतिक प्रयास का विरोध हुआ? मेवाड़ के किस महाराणा व दुर्गादास के संयुक्त प्रयास से उत्तर भारत में औरंगजेब की दमनकारी और कूटनीति का विरोध हुआ? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन राज सिंह नहीं है, यहां राज सिंह कर लीजिए आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज सिंह। अगला प्रश्न, जयपुर महाराजा जय सिंह की मृत्यु के बाद हुई उत्तराधिकारी युद्ध में किसके सहयोग से ईश्वरी सिंह विजयी हुआ और जयपुर की गद्दी पर बैठा? तो सूरजमल। अगला प्रश्न, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली के हाथों हार के बाद शेष बचे मराठा सैनिकों के खाने पीने, इलाज व कपड़ों की व्यवस्था किसने की? तो ये की थी दोस्तों सूरजमल ने। अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किले का निर्माण दोस्तों शाहजहां ने करवाया। किसने? शाहजहां।
अगला प्रश्न, कौन सा दुर्ग शिव पिंड पर रखी बिलो पत्र की भांति पहाड़ी श्रृंखलाओं में खोया हुआ है? तो रणथंभौर। अगला प्रश्न, बूंदी तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो राव बरसिंह ने। अगला प्रश्न, अनिरुद्ध महल व बादल महल किस दुर्ग में स्थित है? अनिरुद्ध महल व बादल महल किस दुर्ग में स्थित है? तो बूंदी दुर्ग में। अगला प्रश्न, पश्चिमी अरावली श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर समुद्र तल से 2408 फीट की ऊंचाई पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो 300 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जालौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जालौर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने। अगला प्रश्न, विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कब से लेकर कब तक करवाया? तो 1440 से लेकर 1448। अगला प्रश्न, विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किसने करवाया? विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो ये दोस्तों आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं प्रश्न, इसका उत्तर आप देना। ये खोजबीन वाला प्रश्न है दोस्तों, विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किसने करवाया? मैं इसका दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर पिनअप कर दूंगा। क्या कर दूंगा? उत्तर है पिनअप। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय मूर्तियों का शब्दकोश किसे कहा जाता है? कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, लाल किला व कुतुब मीनार। तो भारतीय मूर्तियों का शब्दकोश किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय स्तंभ। अगला प्रश्न, निम्न में से विजय स्तंभ के शिल्पी कौन थे? तो जेता, पोमा, पुंजा, भूमि, बलराज, चुंथी, नापा, ये सारे थे दोस्तों। अगला प्रश्न, ईश्वर सिंह की छतरी कहाँ पर है? ईश्वर सिंह की छतरी कहाँ पर है? गेटोर, उदयपुर, अजमेर, अलवर। तो गेटोर में ईश्वर सिंह की छतरी कहाँ है? गेटोर। अगला प्रश्न, जसवंत सिंह का थड़ा कहाँ है, या जसवंत थड़ा कहाँ है? तो जसवंत थड़ा दोस्तों जोधपुर में है। अगला प्रश्न, आयड़ की छतरियां कहाँ पर है? आयड़ की छतरियां कहाँ पर है? जैसलमेर, मारवाड़, उदयपुर या जयपुर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर। अगला प्रश्न, बड़ा बाग की छतरियां कहाँ पर है? बड़ा बाग की छतरियां कहाँ पर है? जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, जयपुर। तो बड़ा बाग की छतरियां दोस्तों जैसलमेर में स्थित है। कहाँ? जैसलमेर। अगला प्रश्न, शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है? शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है? जसवंत सिंह की, राम गोपाल पोदार की, राम गोपालाचार्य की, स्वामी कांता सिंह की? तो राम गोपाल पोदार। अगला प्रश्न, किस स्थान पर महाराजाओं के स्मारक देवलों के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो मंडोर, आबू, शम, आमेर। तो मंडोर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, गजब का प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणी भारत में भक्ति धारा के प्रसार का श्रेय किसे जाता है? घुमक्कड़ी साधु, तपस्वी साधु, संत महात्मा, मूर्ति पूजा? तो घुमक्कड़ साधुओं को जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से नयनार संत थे तो बताइए दोस्तों। तीन ही ऑप्शन है आपके सामने, अपार, सुंदरार, समदर, अडाल, नमलालवार, पेरिसलवार, या दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है? अडाल, गबरी देवी, मीराबाई या सभी? तो अडाल को दोस्तों दक्षिण भारत की मीरा कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रमुख अलवार संत कौन थे बताइए।
तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। तो अरनाल और ये पेरी सलवार, ये वाले दोस्तों अलवार संत थे। क्या थे? अलवार, जिसमें दोस्तों वार वार इस तरह से नाम आए ना, वार वार वार, ठीक है। ए इसमें ए आ गया, अल अलवार ए ए, इसमें वार आ गया, वार वार वार। तो ये थे दोस्तों अलवार संत। अगला प्रश्न, पडलपुर स्थान किस लोक देवता के कारण चर्चित रहा? तो लोक विठल, रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, तो विठल। अगला प्रश्न, सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली कहा जाता है? जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर या अजमेर? तो जैसलमेर। ये कहाँ है, यानी सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली कहाँ है? जैसलमेर। अगला प्रश्न, गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर है? गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर है? कोटा, करौली, गेटोर, बूंदी। तो देखिए दोस्तों, गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा करौली में। अगला प्रश्न, कहाँ की छतरियां से कहावत काल के वीरों का मुंह बोलता इतिहास है? शेखावाटी, अलवर की, मंडोर या हाड़ौती? तो शेखावाटी। अगला प्रश्न, नेड़ा अंचल की क्षेत्रीय कहा जाता है? नेड़ा अंचल की क्षेत्रीय ये किस क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों? नेड़ा अंचल किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो अलवर, अलवर क्षेत्र को। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो 1469 तलवंडी में हुआ, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। अगला प्रश्न, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में हुआ। कहाँ हुआ? तलवंडी। अगला प्रश्न, गुरु नानक ने उपासना व कार्य के लिए जो जगह नियुक्त की उसे क्या कहा जाता है? धर्मशाल, गुरुद्वारा, दोनों, सत्संग। तो दोस्तों धर्मशाल या गुरुद्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, संत रविदास के गुरु का क्या नाम था? संत रविदास के गुरु का नाम क्या था? परमानंद, रामानंद, परमहंस, कोई नहीं। तो संत रविदास के गुरु का क्या नाम था? रामानंद था। क्या था? रामानंद। अगला प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु कहाँ के रहने वाले थे? बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो चैतन्य महाप्रभु कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बंगाल के रहने वाले थे। अगला प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु भगत थे कृष्ण के, राम के, विष्णु के या शिव के? तो दोस्तों चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के भगत थे। किसके? कृष्ण के। अगला प्रश्न, शखुबाई नामक महिला कहाँ की लोकप्रिय संत थी? शखुबाई नामक महिला कहाँ की लोकप्रिय संत थी? तो महाराष्ट्र की थी। कहाँ की? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, गुरु रामदास जैसे संत कहाँ के लोकप्रिय थे? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या बंगाल? तो ये महाराष्ट्र के थे। कहाँ? महाराष्ट्र। दास बोध एक गुरु शिष्य के संवाद के रूप में किसका प्रसिद्ध ग्रंथ था? तो दास बोध दोस्तों स्वामी रामदास। अगला प्रश्न, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 1100 मठ तथा अखाड़े स्थापित कर सब स्वराज्य स्थापना के लिए जनता को तैयार किसने किया? गजब का प्रश्न है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदास। अगला प्रश्न, छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे? तो छत्रपति शिवाजी के गुरु थे रामदास। अगला प्रश्न, स्वामी रामदास किस भगवान के उपासक थे? दोस्तों ये बहुत सूर्य नमस्कार करते थे, 2000 पता नहीं इतने दिन में सूर्य नमस्कार करते थे, किताब में दिया हुआ है। ये हनुमान जी के उपासक थे, फोटो भी दी हुई है। अगला प्रश्न, संत चोखा मेला किस जाति के थे? संत चोखा मेला दोस्तों महार जाति के थे। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण की किस रूप के आगे मीराबाई ने संसार त्याग दिया? तो श्री कृष्ण के किस रूप के आगे मीराबाई ने संसार त्याग दिया? तो रणछोड़, द्वारिका।
संत चोखमेला व उसके परिवार ने किससे दीक्षा प्राप्त की? तो नामदेव से। अगला प्रश्न, दादू दयाल की मृत्यु कहाँ हुई? दादू दयाल की मृत्यु कहाँ हुई? नारायणा, प्रबतसर, आमेर, जयपुर, ये अजमेर। तो दादू दयाल की मृत्यु हुई थी दोस्तों नारायणा में। मीराबाई के पिता का नाम क्या था? तो मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह था। भोजराज पति का नाम था। अगला प्रश्न, भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की? तो भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह कहाँ है? अजमेर। अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मुरीद इन्हें किस नाम से याद करते हैं? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मुरीद गरीब नवाज, ख्वाजा साहब, मसीहा या सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने नागौर के पास किस गांव में अपना केंद्र बनाकर इस्लाम का प्रचार किया? सुवल गांव। कौन सा गांव? सुवल गांव। गजब गजब का प्रश्न है दोस्तों, गजब का प्रश्न। चिश्ती सिलसिला ईश्वर को पानी का माध्यम किसे मानता है? सॉरी, ईश्वर को पाने का माध्यम किसे मानता है? चिश्ती सिलसिला ईश्वर को पाने का माध्यम किसे मानता है? भक्ति, संगीत, एकाग्रता, दान पुण्य। तो संगीत को मानता है। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो की मजार किस सूफी संत की मजार के पास है? अमीर खुसरो की मजार किस सूफी संत की मजार के पास है? तो निजामुद्दीन औलिया की, निजामुद्दीन औलिया की मजार के पास है। अगला प्रश्न, राम सनेही संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो राम सनेही संप्रदाय की स्थापना रामचरण जी ने, किसने? रामचरण जी। अगला प्रश्न, राम सनेही संप्रदाय केंद्र राजस्थान में कहाँ कहाँ है? तो राम सनेही संप्रदाय भीलवाड़ा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, सभी जगह दोस्तों। भक्ति आंदोलन की दोस्तों मैंने क्लास ली भी है, आप जरूर देखना, ट्रिक से भी वहां पर सारी चीजें बताई है। संत दरियाव जी ने किस शाखा की स्थापना की? संत दरियाव जी ने सिंहथल, रैण, शाहपुरा, सभी। तो संत दरियाव जी ने किस शाखा की स्थापना की? इसका राइट आंसर हो जाएगा रैण। अगला प्रश्न, संत हरिदास जी ने किस शाखा की स्थापना की? तो संत हरिदास जी ने दोस्तों सिंहथल शाखा की स्थापना की। अगला प्रश्न, संत रामदास जी ने किस शाखा की स्थापना की? तो खिड़ापा, खिड़ापा। अगला प्रश्न, खिड़ापा वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो खिड़ापा वर्तमान में जोधपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, सिंहथल शाखा वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो सिंहथल शाखा है ये वर्तमान में बीकानेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, केला देवी शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है? केला देवी शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है? करौली से 25 किलोमीटर दूर। अगला प्रश्न, जम्बवाई माता की, और ये शायद कालीसिल नदी के किनारे है, कालीसिल, ये ध्यान रखना है, कालीसिल। जम्बवाई माता की शक्तिपीठ कहाँ है? तो जम्बवा, रामगढ़, जयपुर। अगला प्रश्न, कछवा वंश की कुल देवी का नाम? जीण माता, जम्बवाई माता, केला देवी, करणी माता। तो कछवा वंश की कुल देवी का नाम जम्बवाई माता। अगला प्रश्न, जम्बवाई माता का पौराणिक नाम क्या है? तो जम्बवाई माता का पौराणिक नाम जामवंती। अगला प्रश्न, कौन सा कछवाहा शासक अपने शत्रुओं से पराजित हो गया, जम्बवाई माता की आराधना से पुनः युद्ध करके युद्ध में विजयी हुआ? तो दुले राय। अगला प्रश्न, जीण माता को
किसका अवतार मानते हैं? दुर्गा, ब्रह्माणी, लक्ष्मी, सरस्वती। जीण माता को दोस्तों दुर्गा का अवतार मानते हैं। अगला प्रश्न, करणी माता के चूहों को क्या कहा जाता है? तो करणी माता के चूहों को काब्बा कहते हैं। क्या कहते हैं? काब्बा। अगला प्रश्न, जीण माता का मंदिर कहाँ है? रेवासा सीकर, जयपुर, रामगढ़, जयपुर, सिरोही। तो जीण माता का मंदिर कहाँ है? रेवासा सीकर में है। रेवासा सीकर। जीण माता का उल्लेख भागवत पुराण के किस स्कंद में आया? तो जीण माता का उल्लेख भागवत पुराण के किस कौन से स्कंद में आया? तो नौवें। अगला प्रश्न, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है दोस्तों बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करना। कसम है आपको, आपने यदि 5 दोस्तों में शेयर नहीं किया तो चाहे आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू वीडियो की लिंक शेयर करना, शेयर जरूर करना। राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में यह देवी तीर्थ किस नाम से जाना जाता है? और ऐसा कोई नहीं है जो व्हाट्सएप ना चलाता हो, फेसबुक ना चलाता हो, टेलीग्राम पर इतने ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं आपने, क्या आप ऐसा वीडियो भेज नहीं सकते? तो राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में यह देवी तीर्थ किस नाम से जाना जाता है? तो तरतई, तरतई माता के नाम से भी जाना जाता है त्रिपुरा सुंदरी को। त्रिपुरा देवी मंदिर को वर्तमान भव्य स्वरूप देने का कार्य कब प्रारंभ हुआ? तो 1970। वर्तमान त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के गर्भगृह में काले पत्थर की मां त्रिपुरा की कितनी भुजा वाली भव्य प्रतिमा है? तो 18 भुजाओं वाली। अगला प्रश्न, शाक्त ग्रंथों में किस देवी को जगत का बीज और परम शिव का दर्पण कहा गया है? तो महा त्रिपुरा सुंदरी को। अगला प्रश्न, कौन सा समाज माँ त्रिपुरा की कुल देवी के रूप में उपासना करता है? तो कौन सा समाज करता है? पांचाल समाज। अगला प्रश्न, चमड़े से युक्त वाद्य यंत्र कहलाते हैं? तो चमड़े से युक्त वाद्य यंत्र दोस्तों अवनद वाद्य यंत्र कहलाते हैं। क्या? अवनद वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न, धातु से बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? तो घन वाद्य यंत्र कहलाता है, धातु से बना वाद्य यंत्र घन। अगला प्रश्न, अलवर की मेव जाति किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण है? तो भपंग, भपंग, भपंग। फिर है, भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है दोस्तों रावणहत्ता। कौन सा है? रावणहत्ता। अगला प्रश्न, किस वाद्य यंत्र में ताड़ का पत्ता उपयोग में लिया जाता है? किस वाद्य यंत्र में ताड़ का पत्ता उपयोग में लिया जाता है? तो सहनाई। अगला प्रश्न, ताशा एक है तो घन वाद्य यंत्र क्या है? घन वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न, शेखावाटी का प्रमुख लोक नृत्य है? तो शेखावाटी का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? गिद्दड़ है। अगला प्रश्न, गिद्दड़ नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है? गिद्दड़ नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र भपंग, नगाड़ा। तो दोस्तों इन दो में से आप बता दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा नगाड़ा। अगला प्रश्न, साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दुल्हा दुल्हन आदि संवाद किस नृत्य में निकाले जाते हैं? तो ये गिद्दड़ नृत्य में। कौन से में? गिद्दड़ नृत्य में। अगला प्रश्न, चंग नृत्य किया जाता है होली पर, दीपावली पर, विवाह पर, गणगौर पर? तो चंग नृत्य है ये दोस्तों होली पर किया जाता है। कब? होली पर। अगला प्रश्न, मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है डांडिया, चंग, घूमर या ढोल? तो मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है डांडिया। अगला प्रश्न, जालौर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो जालौर का प्रसिद्ध नृत्य ढोल नृत्य, ढोल नृत्य। जसनाथी संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला वाद्य यंत्र है? अग्नि नृत्य, चंग, ढोल, घूमर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि नृत्य।
अगला प्रश्न, बमरसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बमरसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर व भरतपुर, जयपुर व टोंक, उदयपुर, जोधपुर। तो अलवर भरतपुर का बमरसिया नृत्य प्रसिद्ध है। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ढोल, घूमर, बवाई या गैर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घूमर। अगला प्रश्न, कामड़ जाति का प्रसिद्ध नृत्य है घूमर, तेरा ताली, बवाई, गवरी। तो कामड़ जाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तेरा ताली। अगला प्रश्न, तेरा ताली नृत्य में पुरुष किस वाद्य यंत्र की तान पर रामदेव जी के भजन गाते हैं? तो तंदूरा, तंदूरा, तंदूरा की तान पर। उदयपुर संभाग का प्रचलित नृत्य कौन सा है? उदयपुर संभाग का प्रचलित नृत्य कौन सा है? तो तेरा ताली। सॉरी दोस्तों, उदयपुर संभाग का है बवाई। कौन सा? बवाई। कामड़ जाति का तेरा ताली नृत्य हो गया, और तेरा ताली नृत्य में पुरुष किस? तो तंदूरा हो गया। उदयपुर संभाग का प्रसिद्ध नृत्य पूछ ले तो बवाई होगा दोस्तों। कौन सा? बवाई, बवाई। मैंने तेरा ताली बताया गलत है, बवाई होगा। अगला प्रश्न अजीत यार, एंड में आके गलती मत कर। फिर देख, भीलों द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? भीलों द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो राइट आंसर बताइए, बवाई, तेरा ताली, गबरी या कालबेलिया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गबरी। अगला प्रश्न, गबरी नृत्य किस देवी की आराधना में किया जाता है? गौरी नृत्य किस देवी की आराधना में किया जाता है? दुर्गा माँ, पार्वती, लक्ष्मी, चामुंडा देवी? तो राइट आंसर क्या हो जाए? पार्वती। अगला प्रश्न, गौरी नृत्य किस त्योहार के दूसरे दिन से 40 दिनों तक किया जाता है? रक्षाबंधन, होली, दिवाली या गणगौर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रक्षाबंधन। छोटा सा लिखा हुआ है दोस्तों किताब पेज नंबर 194 में, राखी के, राखी के दूसरे दिन से। अगला प्रश्न, गल्ला और वल्लावण की रस्म के साथ किस नृत्य को विराम दिया जाता है? बवाई, चंग, गवरी या कालबेलिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गवरी को। कौन से को? गवरी को। अगला प्रश्न, ये प्रश्न दोस्तों मतलब बीच में क्या हो गया, कई प्रश्नों के मतलब डबल टाइप हो गए नंबर, जैसे 28 28 है दो बार आया, 368 68 68 दो बार आया, इस तरह से मतलब डबल टाइप हो गए कई जगह। राजस्थान के सपेरा जाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान की सपेरा जाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कालबेलिया। अगला प्रश्न, कौन से नृत्य को यूनेस्को द्वारा सूचित सूचित किया गया है? कालबेलिया, गवरी, तेरा ताली या घूमर? तो राइट आंसर हो जाएगा कालबेलिया। तो ये आज की दोस्तों अपनी क्लास थी, ये कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को आप जितना लाइक और शेयर करोगे दोस्तों उतना मेरा हौसला बढ़ेगा कि मैं 8वीं क्लास के ऐसे ही प्रश्न बनाऊं। इन प्रश्नों में दोस्तों 20 दिन लग गए, इन प्रश्नों को बनाने में 20 दिन लग गए, क्योंकि थोड़े 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 दोस्तों प्रश्न बनाते गया और ये अपने पास इतना कलेक्शन हो गया। मुझे नहीं लगता दोस्तों इन प्रश्नों से बाहर कुछ आएगा, यदि एग्जामिनर पूछेगा तो इनमें से आपसे पूछ के जाएगा। ये 7वीं क्लास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पूरा निचोड़ है दोस्तों, इस वीडियो को बार बार देखना आपको 7वीं क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही मैराथन वीडियो दोस्तों 6ठी क्लास का बनाया पड़ा, आप जरूर देखना, 200 प्रश्नों का। बाकी दोस्तों पार्ट वाइज टेस्ट अलग से चल रहे हैं आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, आपसे बस कुछ नहीं, लाइक मांगता हूं और शेयर मांगता हूं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, आप शेयर जरूर करना इस वीडियो को, लाइक जरूर करना, और आगे अपने कोई भी वीडियो में ऐड आए तो ऐड स्किप मत किया करो, ऐड आप देखा करो। और ये कोटेशन आपके लिए दोस्तों कि समस्या हर इंसान के है, या तो उन समस्याओं का रोना रो लो या उन समस्याओं पर काम कर लो। काम करोगे दोस्तों तो समस्या से निजात मिलेगा, रोना रहोगे तो समस्या ज्यों की त्यों पड़ी रहेगी और आप नकारात्मक भावों से घिरते जाओगे। तो मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।